ये है उर्दू का पार्ट 3। जो लोग पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं कि वो इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लें, वहां पर इन दोनों के लिंक मौजूद है। और यहां पर है उसके बाद का आरफ दाल। ये देखिए दाल को किस तरह लिखते हैं, दाल। दाल से दीवार, दाल से दावत, दाल से दुआ। उसके बाद का हरफ है दाल। ये देखिए दाल की तरह उसे लिखना है, दाल। ऊपर छोटा सा प आएगा इस तरीके से, दाल। और दाल से डब्बा, दाल से डब्बा, दाल से ड्रामा भी आएगा। उसके बाद का हरफ है दाल। ये देखिए सेम दाल की तरह दाल। दाल से जखीरा, दाल से जखीरा, जखीरा माने जमा करना जी। दाल दाल दाल, गोया कि ये तीनों हरफ एक जैसे होंगे। इस पर त्वा डालने से दाल बन जाएगा, इस पर एक नुक्ता डालने से दाल बन जाएगा। उसके बाद का हरफ है रौ। ये देखिए रौ। और रा से रूपिए, रा से रूमाल। ये देखिए रौ इस तरह लिखेंगे, रौ से रूपिए, रौ से रूमाल। उसके बाद है अड़ा। ये देखिए सेम रौ की तरह इस तरह लाकर ऊपर छोटा सा तोड़ डाल देंगे, अड़ा। ये हरफ इस्तेमाल होता है पढ़ा, चढ़ा, उड़ा में। जो डा जो आता है वो यही हरफ आता है, ये अड़ा हुआ। उसके बाद का हरफ है सा, सेम रौ की तरह। ये देखिए इस तरीके से लिखेंगे जा, जा से जंजीर, जा से जुबान। उसके बाद का हरफ है जा, सेम जा रौ की तरह इस तरीके से। ऊपर तीन नुक्ते आएंगे जा। जैसे ये लफ्ज बहुत कम इस्तेमाल होता है, जैसे अजदहा एक सांप है, अजदहा, वहां पर ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो गोया ये तीन हरूफ दाल 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 एक साथ लिखे जाते हैं। दाल लिखकर उस पर छोटा सा पौ डाल देंगे, दाल बन जाएगा। दाल पर एक नुक्ता डालेंगे तो दाल बन जाएगा। रा लिखे हैं खाली छोड़ देने का, इस तरीके से रा बन जाएगा। रा लिखकर उस पर छोटा सा पौ डाल देंगे तो अड़ा बन जाएगा। रा लिखकर एक नुक्ता डाल देंगे जा बन जाएगा। रा लिखकर तीन नुक्ते डाल देंगे तो शा बन जाएगा। तो लिहाजा आप इसको अपनी एक सिंगल रूल एक कॉपी रखें, बुक रखें, जिसको ये लाइन को हेडलाइन बनाकर आप लिखें और एक लाइन छोड़कर एक लाइन आप लिखते जाएंगे, तो इस तरीके से आपको लिखना भी आएगा, पढ़ना भी आ जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तमाम मुसलमानों के लिए जरूरी है कि उर्दू जुबान लिखना पढ़ना सीखें और अपने बच्चों को उर्दू लिखना पढ़ना सिखाएं, क्योंकि हमारी मादरी जुबान उर्दू जुबान है और दीनी इल्म दुनिया में अरबी जुबान के बाद दूसरे नंबर पर उर्दू जुबान में ही मौजूद है। दीन की बहुत सारी बातें उर्दू जुबान में ही मौजूद है। अगर आप लोग खुद उर्दू जुबान सीखेंगे और अपने बच्चों को भी उर्दू लिखना पढ़ना सिखाएंगे तो बहुत सारी दीनी बातें और दीनी इल्म हासिल होगा और दीन पर अमल करना भी आसान होगा, क्योंकि अमल के लिए इल्म जरूरी है। और हम आप लोगों को एक आसान तरीके से उर्दू लिखना पढ़ना सिखाएंगे। ये तरीका इतना आसान होगा कि स्कूल और कॉलेज पढ़ने वाले तलबा स्टूडेंट्स और इसी तरह
बड़े लोग, मर्द हो या औरत, जवान हो या बूढ़े, आसान तरीके से 2 महीने के अंदर उर्दू जुबान लिखना पढ़ना सीख सकेंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे उर्दू लिखने पढ़ने के तरीके के वीडियोस पार्ट्स की शक्ल में आप तक पहुंच सके।